back to my channel. So today we are going to start structural organization in plants and animal जो unit 2 है और ये class 11th का unit है और इसमें तीन chapters आते हैं total. So आज मैं morphology of flowering plants कराऊंगी और मैं जो ये सब है इसको part wise divide करके videos डालूंगी इसके, और ये जो class 11th के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं और जो NEET की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं. जैसे हमें पता है NEET में भी जो आते हैं क्वेश्चंस वो NCERT के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, मतलब इस यूनिट का चैप्टर फर्स्ट है और ऐसे चैप्टर फाइव है बुक का. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जैसे द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस. मतलब जो हम वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं हायर प्लांट, जैसे एंजियोस्पर्म हो गए, उन लोग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे फ्लावर्स होते हैं हम लोग को कितना लुभाते हैं, कितना आकर्षित करते हैं. सो इवन टू एंजियोस्पर्म सो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. जो एंजियोस्पर्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता है तो हमें पता है एंजियोस्पर्म जो है उसकी लार्ज मतलब हम लोग को उसकी बहुत लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और जो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं. और इस मतलब इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे. जो एक्सटर्नल हम लोग जैसे लीफ देखते हैं, उसका सूट देखते हैं, रूट देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, तो उसी के बारे में एक्सटर्नल पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जैसे हमें बताया है प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सब इसी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चैप्टर टू और चैप्टर थ्री में हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस पढ़े प्लांट्स के बारे में कि बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल अदर करेक्टर उसके प्लांट को क्लासिफाई किया गया. फिर इसके बाद हम लोग हायर प्लांट्स के बारे में पढ़े, कहते हैं जैसे कि जो वीड्स होते हैं, वीड्स का मतलब जो घास फूस हो गया, अगर उसको हम लोग जब पुल करते हैं मतलब निकालते हैं तो उसमें हम लोग रूट, स्टेम और लीव्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं. और कुछ फ्लावर्स भी वो बियर करता है या फ्रूट्स बियर करता है. और अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो रहती है, मतलब कि उस प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट रहता है वो रूट सिस्टम रहता है, और जो पोर्शन एबव होता है ग्राउंड के वो शूट सिस्टम कंटेन करता है. फिर नीचे आते हैं, रूट जो रहता है मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स में देखा जाए तो रूट जो रहता है डायरेक्ट एलोंगेट होता है रेडिकल से. रेडिकल जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़े थे ना कि जो जैसे टेडोफाइट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, उसमें रूट की जगह रेडिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो रेडिकल से ही रूट बना है. तो इसमें ये बताया है कि जो डायरेक्ट एलोंगेटेड रेडिकल से फॉर्मेशन होता है प्राइमरी रूट का, ये डाइकॉट प्लांट के बारे में बात हो रही है. फिर प्राइमरी रूट से वो सॉयल में इनसाइड ग्रो करता है, फिर प्राइमरी रूट के लेटरल साइड में रूट मतलब रूट वहाँ पे होने लगते हैं, और वहाँ पे जो रूट होते हैं लेटरल रूट्स उन्हें सेकेंडरी या टर्शियरी रूट कहा जाता है. ठीक है, प्राइम जैसे इसमें ऊपर बताया प्राइमरी रूट जो रहते हैं वो ब्रांच हो जाते हैं और बनाते हैं टैप रूट. टैप रूट का फॉर्मेशन होता है. टैप रूट में क्या होता है, पहले तो एक प्राइमरी रूट निकलता है डायरेक्ट राइजॉइड से, कह दिया जाए प्राइमरी रूट निकलता है, फिर प्राइमरी रूट के लेटरल साइड साइड सेकेंडरी रूट या टर्शियरी रूट का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस टाइप के रूट सिस्टम जो रहते हैं इन्हें टैप रूट सिस्टम कहते हैं, और ये डाइकॉट्स में पाया जाता है. और इसके एग्जांपल देखा जाए तो मस्टर्ड, इसे मॉर्फोलॉजी में देखा जाए तो एग्जाम्पल जो रहते हैं वो मस्ट याद रहने चाहिए, एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर आते हैं मोनोकॉटिलेडन प्लांट्स में क्या होता है, प्राइमरी रूट जो रहता है वो शॉर्ट लिव रहता है, और ये रिप्लेस हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट से. जो रूट ओरिजिनेट होते हैं डायरेक्ट बेस ऑफ स्टेम से, जो स्टेम का बेस होता है, जैसे ये स्टेम हो गया, ये जो मैं बात कर रही हूँ मोनोकॉट के कंडीशन में है. डाइकॉट में जो प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, मोनोकॉट में क्या होता है जो प्राइमरी रूट रहता है वो शॉर्ट लिविंग रहता है, मतलब कुछ ही दिन के लिए वो जिंदा रहता है. तो वो जो स्टेम है, जैसे ये अपर द ग्राउंड स्टेम है, तो स्टेम से डायरेक्ट जो है वो रूट एलोंगेट होते हैं, इस तरह रूट एलोंगेट होते हैं डायरेक्ट स्टेम के बेस से, तो वो बनाते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, और ये हमें वीट प्लांट में देखने को मिलता है.
और कुछ प्लांट आ जाते हैं जैसे ग्रास, मोनिस्टा, बनियाइन ट्री। रूट जो रहते हैं वो अदर पार्ट से भी, प्लांट के अदर पार्ट से भी, रेडिकल के अलावा अदर पार्ट से भी ओरिजिनेट होते हैं, तो उसे एडवेंटेनियस रूट कहते हैं, एडवेंटेनियस रूट कहते हैं। फिर आते हैं जो रूट का मेन फंक्शन होता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, और प्रॉपर इनकरेज, प्रोवाइडिंग प्रॉपर इनकरेज टू प्लांट, और कुछ फूड को स्टोर भी करते हैं और सिंथेटाइज करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिर आते हैं नीचे रीजन ऑफ रूट, रूट के बारे में, मतलब कि रूट में क्या क्या रहते हैं, कैसे रूट होता है, तो उसके बारे में, रूट के बारे में है मॉर्फोलॉजी, बाहर से वो कैसे दिखता है उसके बारे में, रीजन ऑफ रूट्स। और ये जो वो है फिगर, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिगर देख के पूछ लेते हैं ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है। तो देखते हैं जो रीजन एपेक्स का, ये एपेक्स वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो इसको कवर करता है, एक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कवर करता है, उसे रूट कैप कहते हैं, इसे रूट कैप कहते हैं। फिर रूट कैप के कुछ ऊपर आते हैं, फ्यू मिलीमीटर अबव, वहाँ पे रूट कैप की रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी रहती है, मतलब यहाँ मेरिस्मेटिक सेल्स कंटेन करते हैं। और मेरिस्मेटिक सेल क्या होते हैं इसको मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो सेल जो रहता है ये वेरी स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, थिन वॉल रहते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं, और ये डिवाइड होते रहते हैं रिपीटली, लगातार अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। और जो सेल है प्रॉक्सिमल रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन, मतलब ये जो सी, फिर इसके बाद इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो रीजन ऑफ एलोंगेशन कराता है। रीजन ऑफ एलोंगेशन कहने का मतलब यहाँ इसलिए है कि यहाँ जो सेल है वो रैपिड एलोंगेशन और या रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट के एनलार्जमेंट के, जो रूट का ग्रोथ होता है लेंथ वाइज वो रीजन ऑफ एलोंगेशन की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ग्रोथ होता है रूट का लेंथ में तो वो किस रीजन से होता है, तो वो रीजन ऑफ एलोंगेशन से होता है। फिर आते हैं उसके ऊपर आते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन कंटेन करता है, जो सेल रहते हैं एलोंगेटेड सेल रहते हैं, जो एलोंगेटेड जोन रहता है वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट कर जाता है और मैच्योर हो जाता है। फिर उसके ऊपर वाला जोन आ जाता है रीजन एलोंगेशन, उसे रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। और वहाँ के कुछ एपिडर्म, मतलब जो रीजन ऑफ ये मैचुरेशन सेल है, यहाँ के कुछ एपिडर्मल सेल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कहते हैं, उसे रूट हेयर्स कहते हैं। और रूट हेयर का क्या काम होता है, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, मिनरल्स ऑफ सॉइल, ठीक है, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रीजन से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे रूट हेयर कंटेन करेगा वहीं से एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन से एब्जॉर्प्शन होता है। तो रूट हेयर तो कभी कभी, मतलब रूट हेयर तो नहीं दे रहेगा ऑप्शन में रीजन ऑफ मैचुरेशन, तो इसको थोड़ा याद रखना है कि रूट हेयर जो है रीजन ऑफ मैचुरेशन में रहते हैं, और रूट हेयर जो रहते हैं वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट के कैसे मॉडिफिकेशंस होते हैं। रूट ऑफ प्लांट्स जो है वो अपने शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे मतलब एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, ये तो इसके नॉर्मल फंक्शन हो गए। लेकिन जो मॉडिफाइड रूट रहते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फूड के स्टोरेज में हेल्प करते हैं, या रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप, और एडवेंटेनियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो जो है वो स्वेल हो जाते हैं, मतलब वो फूल जाते हैं और फूड को स्टोरेज, फूड के स्टोरेज का काम करते हैं। इसमें एक सबसे मतलब कि इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एडवेंटेनियस ऑफ रूट स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में रूट का जो
वो रहता है, यहाँ रूट का मॉडिफिकेशन होता है स्टोर फूड करने के लिए। लेकिन पोटैटो में देखा जाए तो वहाँ स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है वो फूड का स्टोरेज करने में। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो इसको याद रखना है कि जो रूट का मॉडिफिकेशन है वो स्वीट पोटैटो में हमें देखने को मिलता है फूड को स्टोर करने के लिए। फिर आते हैं कि जैसे हम लोग को हैंगिंग स्ट्रक्चर कभी कभी बनियान ट्री में देखने को मिलते हैं, तो वो जो होता है वो प्रॉप रूट्स कहते हैं, उन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं। और फिर आते हैं स्टेम ऑफ मेज सुगर केन में कुछ सपोर्टिंग रूट्स देखने को, जैसे ये सुगर केन है, सुगर केन का ये ग्राउंड में लगा है, ये इसके जड़ है, रूट्स है। तो इसके जो ऊपर ऐसे नोड्स प्रेजेंट रहते हैं स्टेम में, नोड्स और इंटरनोड आपको पता होगा क्या होता है। तो नोड्स और इंटरनोड्स के जो जो स्टेम के नीचे वाला पार्ट होता है जो ग्राउंड से पास रहता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे नोड्स से कुछ ऐसे से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं, तो वो उसको हम लोग स्टिल रूट कहते हैं। और वो सपोर्ट करने में हेल्प करता है, मतलब सपोर्टिंग रूट की तरह काम करता है। फिर आते हैं राइजोफोर्स में देखा जाता है स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, जो मेनी रूट्स से कम आउट फ्रॉम ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से कुछ काफ़ी रूट्स मतलब बाहर निकलते हैं और वर्टिकली अपवर्ड कुछ ऐसे 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 वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं, और उन्हें न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। और ये ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं, मतलब रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। ये बनियान ट्री का मॉडिफिकेशन है रूट सपोर्ट का, और ये देख सकते हैं ये न्यूमेटोफोर का, जैसे मैंने बताया था ना राइजोफोर्स जो है वो न्यूमेटोफोर्स का फॉर्म, ये ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं, तो इसका मॉडिफिकेशन हो गया रूट का। और ये टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो जो है वेजिटेरियंस रूट है, कैरेट टर्निप जो है वो टैप रूट है, और ये एस्पेरेगस ये भी स्टोरेज का काम करता है। फिर आते हैं नीचे स्टेम, स्टेम क्या होता है, स्टेम जो रहते हैं हम लोग स्टेम रूट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्टेम जो रहता है वो ऊपर उगता है, ये ग्राउंड हो गया, डिसेंडिंग पार्ट में रूट उगता है और असेंडिंग पार्ट में स्टेम उगता है। और स्टेम जो रहता है वो एम्ब्रियो में, स्टेम जो रहता है वो ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स कंटेन करता है, मतलब वो ब्रांचेस कंटेन करता है, उस पर लीव्स कंटेन करता है, इस पर फ्रूट्स कंटेन करता है, उस पर फ्लावर्स कंटेन करता है, तो इस तरह कंटेन करता है। और जो प्लूमुल्स रहते हैं, सॉरी एम्ब्रियो जो रहती है जब जर्मिनेट करती है, तो जैसे हमें पता है रेडिकल से रूट बनते हैं, तो प्लूमुल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है। जो स्टेम जो रहते हैं वो नोड्स और इंटर नोड्स बियर करते हैं। तो नोड्स और इंटर नोड्स क्या होता है, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर कॉल नोड्स, मतलब ये जैसे स्टेम है जहाँ से लीव का फॉर्मेशन हो गया तो उसे नोड कहते हैं, जहाँ से लीव का जैसे यहाँ पे एक लीव है तो यहाँ पे एक लीव का फॉर्मेशन हो गया तो इसे नोड कहा, यहाँ से लीव का फॉर्मेशन हो तो ये नोड वाला पार्ट हुआ, यहाँ से लीव का फॉर्मेशन तो ये नोड वाला पार्ट हुआ। और जो इंटर नोड रहता है द इंटर नोड पोर्शन बिटवीन टू नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसे इंटर, ये जो पार्ट हो गया इसे इंटरनोड कहते हैं। जो स्टेम जो रहते हैं वो बर्ड्स बियर करते हैं टर्मिनली या एक्सिलरी। स्टेम जो जनरली ग्रीन होते हैं जब यंग होते हैं, बट आफ्टर कुछ सालों बाद वो वुडी और डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और जो स्टेम का मेन फंक्शन है वो ब्रांचेस को स्प्रेडिंग आउट करना, और लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स को बियर करना, वाटर मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करना, और कुछ स्टेम जो है वो स्टोरेज का फंक्शन, फूड स्टोर करने का फंक्शन, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किस किस चीज़ में मॉडिफाई होते हैं। जो अगर अंडरग्राउंड देखा जाए तो अंडरग्राउंड में स्टेम जो है वो जैसे पोटैटो, मैंने जैसे आगे ही बताया था पोटैटो और उसका स्वीट पोटैटो का एग्जांपल, तो यहाँ पे पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जर्मिकान, कैलोकेसिया, ये जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं अंडरग्राउंड में और फूड का स्टोरेज का काम करते हैं। और कुछ ऑर्गन जो रहते हैं वो पेरेनेशन शो करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन पे ग्रो करते हैं।
स्टेम जो है वो टेंडल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, टेंडल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं जो क्लाइंबिंग प्लांट्स को हेल्प करते हैं। स्पाइरल कॉइल कुछ लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, और जो क्रीपिंग प्लांट्स रहते हैं उन लोग को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। जो ये जो टेंडल्स है वो हम लोग को गॉड्स और कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन में देखने को मिलता है, या ग्रेप वाइंस में देखने को मिलता है। जो टेंडल्स वो है लो लीफ का भी मॉडिफिकेशन होता है, तो वो अलग प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ये भी याद करने वाली बात है कि स्टेम में किसका गॉड्स में जो है, ग्रेप वाइंस में जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है टेंडल्स। फिर आते हैं जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं, वो कुछ वूडी स्ट्रेट और पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे थॉर्न कहते हैं उसमें भी मॉडिफाइड हो जाते हैं, और ये साइट्रस और बोगेनविलिया में देखने को मिलता है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है ग्रेजिंग एनिमल से, जो मतलब चरते हैं जैसे बकरी हो गई, ये सब जो चरते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आते हैं कुछ सम प्लांट्स होते हैं वो एरिड रीजन में मॉडिफाई कर लेते हैं, इनके स्टेम्स फ्लैट हो जाते हैं जैसे ओपिट्यूनिया में, और फ्लेसी सिलेंड्रिकल यूफोविया स्ट्रक्चर में। तो ये जो ओपिट्यूनिया और यूफोविया जो है ये एक्वाटिक प्लांट्स है, और जो स्टेम का मॉडिफाइड होता है तो उसे फाइलोक्लैट्स कहते हैं। और अगर पेरियंट का होता है तो इसको फाइलोट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेम है ओपिट्यूनिया में, स्टेम जो है वो फ्लैटन स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और यूफोविया में भी फ्लेसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, और ये कंटेन करता है क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेटिस में हेल्प करता है। रिकॉर्डिंग पॉज कियो। जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं सम प्लांट्स के, जैसे ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इनके कुछ न्यू नीचेस टाइप स्प्रेड होते हैं। जब ओल्डर प्लांट ड्राई कर जाते हैं, मतलब जब ओल्डर प्लांट मर जाते हैं, तो वहाँ से न्यू नीचे से प्लांट का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। और प्लांट्स लाइक मिंट, जैस्मिन आ गए, तो उसमें कुछ स्लेंडर लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, और जो अराइज होता है बेस ऑफ द मेन एक्सिस, और जैसे ये बेस हो गया, इसके मेन एक्सिस से कुछ लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट होते हैं कुछ ऐसे। जब ये एरियली, मतलब जो ये बाहर ग्रो कर जाते हैं, तो यहाँ पे आर्क टाइप फॉर्मेशन करते हैं डाउनवर्ड, और ये ग्राउंड में टच होते हैं, फिर वहाँ पे फॉर्मेशन कर लेते हैं न्यू प्लांट्स का। फिर लेटरल ब्रांच जो रहते हैं कुछ शॉर्ट इंटर नोड्स में, और ईच नोड्स बियरिंग रोजेट ऑफ लीफलेट्स, ठीक है, टॉप ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया इकॉर्निया, और बनाना, पाइन एप्पल में और क्रिसेंथेमम में आते हैं। तो लेटरल ब्रांच जो रहते हैं वो बेसल पार्ट से, मतलब जो बेस वाला पार्ट रहते हैं, वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और अंडरग्राउंड ऑफ मेन पोर्शन, और ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं बीनीथ द सॉयल, और ये अपवर्ड, मतलब कि अपवर्ड फिर लीफी सूट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम लोग बनाना में देखते हैं जो मेन एक्सिस, मतलब जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है स्टेम का, यहाँ से हॉरिजॉन्टल यहाँ फॉर्मेशन होता है स्टेम का, फिर ऊपर जाके यहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन होता है कुछ ऐसे। ये बनाना और पाइनएप्पल क्रिसैंथेमम में देखने को मिलता है। तो ये हो गए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो आगे लीफ के बारे में, लीफ के मॉडिफिकेशन के बारे में है। सो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल में जाके और वीडियोस देख सकते हैं। मैं लीफ के और इसके जो आगे चैप्टर, मतलब आगे जो टॉपिक्स हैं, मैं उसे डालूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।